अगर पति के पास में ये सब है जो मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, तो IPC 498 किसी भी कंडीशन में लगी नहीं सकता है। तो ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है कि पति के पास में क्या होना जरूरी है IPC 498 से बचने के लिए, और लगे हुए जो भी केस है वो भी खारिज होंगे ये सब अगर पति के पास में है। तो डिटेल में जानकारी आपको मिलेगी, शॉर्ट के अंदर मिलेगी, ज़्यादा लंबा वीडियो है नहीं, इसलिए आपको अंत तक पूरा वीडियो देखना है, आपके फायदे का वीडियो है। तो आप अंत तक बने रहिए और पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को देखने के बाद में आपको शेयर भी करना है। आपके इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट जितेंद्र, और आज के वीडियो में IPC 498 को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी बताने वाला हूं। देखो, वर्तमान समय के अंदर IPC 498 का बहुत ज़्यादा मिसयूज किया जा रहा है। ऐसे बहुत सारे मामले हैं जो फाल्स है, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गए हैं, और इस धारा को लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही बड़ी बात भी कही है। यहाँ पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बहुत से जजमेंटों के अंदर क्लियर किया है कि IPC 498 जो धारा है इसको एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है पत्नियों के द्वारा। बहुत से लोग हैं जो इस धारा के अंदर निर्दोष फंसे चले जा रहे हैं। तो यहाँ पे इस धारा के अंदर अब परिवर्तन की नितांत आवश्यकता है, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो इस धारा में जब परिवर्तन होगा तो कानूनी व्यवस्था के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा, यानी कि जो निर्दोष लोग हैं झूठे IPC 498 के जाल में नहीं फंसेंगे। इसमें कानून व्यवस्था थोड़ी चेंज नज़र आपको आएगी, इस तरीके से नज़र आएगी कि IPC 498 जल्दी से दर्ज नहीं होगा। ये हो सकता है इसके अंदर संभवतया इसमें मामला दर्ज होने से पहले ये देखा जाएगा कि दोनों पार्टियों के पास में एविडेंस और विटनेस कौन कौन से हैं। जैसे पत्नी ने जो भी आरोप लगाए हैं पति के ऊपर, तो पत्नी के पास में ऐसे कौन कौन से एविडेंस हैं जिससे वो साबित कर सके कि यहाँ पे जो भी आरोप लगा रही हो सही लगा रही है, और कौन कौन से विटनेस है ये देखा जा सकता है। पति के पास में अपने बचाव के लिए ये सब एविडेंस है तो निश्चित ही IPC 498 में पति का आसानी से बचाव हो जाएगा। तो ये कौन कौन से एविडेंस है, जिस टाइम में पति और पत्नी साथ में रहे हैं तो उस टाइम में पति ने जो भी पत्नी के लिए अच्छा किया है उससे रिलेटेड एविडेंस, और जब पति और पत्नी अलग हो गए हैं तब भी पति ने जो पत्नी के लिए अच्छा किया है उनसे रिलेटेड एविडेंस। अगर पति और पत्नी साथ में रह रहे हैं उस टाइम में पति और पत्नी है जो साथ में घूमने फिरने के लिए गए हैं, पति यहाँ पे एंजॉयमेंट यानी कि दोनों कर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, हंसी खुशी के पल के जो फोटो और वीडियो होते हैं वो एविडेंस के रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। अगला, अगर मान लो पति कमाने के लिए बाहर रह रहा है और उसकी पत्नी है जो पति के माता पिता के साथ में यानी कि ससुराल के अंदर रह रही है, और उस लेवल पे पति को जब भी छुट्टियां मिलती है तो अपने घर पे आता है पत्नी का ख्याल रखने के लिए, अपने माता पिता के ख्याल रखने के लिए, तो इससे रिलेटेड जो भी एविडेंस है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। अगला, अगर पति मान लो कमाने के लिए बाहर रह रहा है और उस लेवल पे जो भी भरण पोषण की राशि वगैरह है जो टाइम टू टाइम है जो पत्नी के अकाउंट में या फिर माता पिता के लिए भेज रहा है, यानी कि वो जब साथ में रह रहे हैं सभी लोग यानी कि पत्नी, उसके माता पिता और पति जब बाहर रह रहा है, यहाँ पे अगर भरण पोषण की राशि है जो टाइम टू टाइम उसके अकाउंट वगैरह में भेज रहा है, यानी कि पति है जो पूरा ख्याल इस लेवल के ऊपर रख रहा है पति जो भी अच्छा कर रहा है बाहर रहते हुए, तो ये भी है जो एविडेंस के रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर पति पत्नी का ख्याल रखते हुए पत्नी के नाम से अगर कोई प्रॉपर्टी वगैरह खरीदा है, फिर पत्नी के नाम से कोई बैंक अकाउंट वगैरह में कोई पैसा वगैरह डलवाया है, फिर कोई FD वगैरह करवाया है, इससे रिलेटेड एविडेंस है, तो वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। और पत्नी अगर पति से अलग हो गई है तब भी वो पति है उस पत्नी के लिए अच्छा ही कर रहा है, तो ये भी एविडेंस है जो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो इतना कुछ अच्छा करने वाला पति पत्नी के साथ में IPC 498 जैसी घटना कर ही नहीं सकता है, तो ऐसे पति को ऊपर IPC 498 लग ही नहीं सकता है। इन एविडेंस के आधार पर आसानी से वो पति है जो IPC 498 से बाहर निकल सकता है। और दूसरा, उस पत्नी को साबित भी करना होगा कि उसके साथ में IPC 498 जैसी घटना हुई है, तो उनसे रिलेटेड कितने एविडेंस उस पत्नी के पास में है, तभी वो IPC 498 चलेगा, अन्यथा नहीं चलेगा, वो केस है जो कमजोर पड़ जाएगा। फिर जानकारी आप समझ में आ गई होगी तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, अगर लाइक नहीं किया और शेयर भी करिए जो लोगों को भी जानकारी पता चल सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।